ये जो आदमी का फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो आदमी है जिसकी वजह से खालिस्तानी मूवमेंट फिर से चिंगारी पकड़ रहा है। अब खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि खालिस्तानी मूवमेंट के थ्रू सिख कम्युनिटी अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रही है। सिख कम्युनिटी का दावा है कि एक समय पर जब महाराजा रणजीत सिंह पूरे सिख एम्पायर को संभालते थे तो उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा शामिल था। तो सिख कम्युनिटी की मांग है कि उनको उनका पुराना सिख एम्पायर वापस मिल जाए। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि खालिस्तान की मांग कब और क्यों शुरू हुई थी। देखिए, अब इस कहानी की शुरुआत होती है महाराजा रणजीत सिंह जी के समय से। अब जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी जिंदा थे तब तक अंग्रेजों ने सिख एम्पायर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ होती है, अंग्रेजों ने सिख एम्पायर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो लोकल महंत थे उन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इस वजह से सिख बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए सिख लोगों ने महंतों के अगेंस्ट 1920 में अकाली मूवमेंट शुरू किया और उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि गुरुद्वारों को महंत नहीं चला सकते। इस मांग को और आगे बढ़ाने के लिए अकाली दल के लोगों ने 175 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहा गया। जो आजकल आप न्यूज में सुनते हैं SGPC, वो यही कमेटी है। SGPC ने गुरुद्वारों से महंतों को हटाया और गुरुद्वारों को संभाला। अब सिख लोगों को ये लगता था कि जब भारत आजाद होगा तो सिख लोगों को उनका सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिख कम्युनिटी का सपना जब टूटता है जब मोतीलाल नेहरू जी ने 1929 में पूर्ण स्वराज मूवमेंट शुरू किया। अब जब 1946 में अंग्रेजों के जाने के बाद सामने आने लगी तो सिख कम्युनिटी ने मांग उठाई कि सिख लोगों से जो उनका सिख एम्पायर छीना गया था वो उनको वापस किया जाए। अब ऐसी सिचुएशन में बात आती है पंजाब में किस कम्युनिटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो 1941 में पंजाब में एक सेंसस हुआ था जिसमें पता चला कि पंजाब की 53% पॉपुलेशन मुस्लिम है, हिंदू 30% है और सिख केवल 15% के आसपास थे। और अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो पूरी इंडिया में सिर्फ 1% पॉपुलेशन सिख लोगों की थी। तो अब सिख लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में सिख कम्युनिटी ने कहा कि उनको भारत के साथ जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी बीच मुस्लिम कम्युनिटी मांग करती है पार्टीशन की। तो पार्टीशन की खबर सुनकर सिख बिल्कुल खुश नहीं थे। उनको पता था कि पार्टीशन होगा तो आधा पंजाब पाकिस्तान में जाएगा और आधा हिंदुस्तान में। तो इसी वजह से अब सिख लोगों ने भी मांग उठाई एक अलग सिखिस्तान की। ये मांग करने वाला वही शिरोमणि अकाली दल था जिसे SGPC और अकाली दल को मिलाकर बनाया गया था। अब ये मांग केवल सेपरेशन की वजह से थी, वरना उन्हें यूनाइटेड इंडिया के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस सब के बाद भी सेपरेशन होता है और पंजाब दो हिस्सों में बंट जाता है। अब इस सेपरेशन की वजह से पंजाब का 62% एरिया पाकिस्तान में चला जाता है जिसमें 55% पॉपुलेशन भी थी। और इसके अलावा सिख कम्युनिटी की 150 से भी ज़्यादा ऐतिहासिक शान और इमारतें पाकिस्तान में चली जाती हैं। अब इस सेपरेशन की वजह से जो वायलेंस हुआ उसकी वजह से सिख अपनी अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर इंडिया में आने लगे। अब सिख लोगों की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में आ गई। अब सिख लोग दोबारा से सिख स्टेट का सपना देखने लगे थे। अब सिख लोगों की बढ़ती हुई मांग को देखकर गवर्नमेंट ने सिख मेजोरिटी वाले इलाके को मिला के एक नया स्टेट बनाया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे पेप्सू भी कहते हैं। लेकिन अकाली दल की बढ़ती पावर को देखते हुए कांग्रेस ने इस स्टेट को हटा दिया। अब आता है साल 1956 जिसमें आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब इस टॉपिक को मैंने प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, 1956 के इस एक्ट में गवर्नमेंट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नए राज्य बनाने की बात करती है। तो इस एक्ट के जवाब में सिख कम्युनिटी का कहना था कि पूरे पंजाब की जो भाषा है वो पंजाबी है और लिटरेचर भी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में है, तो आप हरियाणा को हिंदी बेल्ट में मिला दो और पंजाब को एक अलग स्टेट बना दो और पंजाबी को पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दो। लेकिन सरकार ने इस डिमांड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट के इस रिजेक्शन की वजह से अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने कहा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सिख धर्म तभी बचेगा जब सिख लोगों के लिए सिख प्रांत होगा। और फिर यहीं से उन्होंने पंजाबी सूबा मूवमेंट की शुरुआत करी। अब इस सब के बाद 1960 से 1965 तक बहुत सारे मूवमेंट हुए, जैसे मास्टर तारा सिंह ने आमरण अनशन किया, कई सारे अकालीज को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो सिख कम्युनिटी ने सारे प्रोटेस्ट रोककर भारत सरकार को पूरा सपोर्ट किया। इसी वजह से 1966 में सिख कम्युनिटी की बात मान ली गई और पंजाब को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीन राज्यों में बांट दिया गया। अब इसके बाद एक नई प्रॉब्लम सामने आती है चंडीगढ़ को लेके। अब क्योंकि चंडीगढ़ में 55% लोग हिंदी बोलने वाले थे,
तो गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया और कहा कि चंडीगढ़ को दोनों स्टेट शेयर करेंगे एज अ कैपिटल। अब अकाली दल ने 1973 में कई सारे मुद्दों को एक रिपोर्ट में पेश किया जिसे नाम दिया गया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। इस रिपोर्ट में चंडीगढ़ का इशू और पंजाब के पानी का इशू और इसके साथ साथ और भी कई सारे मुद्दों को शामिल किया गया था। अब इसका फर्स्ट ड्राफ्ट सरदार कपूर सिंह ने इंग्लिश में बनाया था, लेकिन इस रिपोर्ट को लोग अपने अपने तरह से यूज कर रहे थे। हर कोई इस रिपोर्ट को एज अ वेपन यूज करना चाह रहा था। अब जब ये कॉन्ट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ गई तो अकाली दल के प्रेसिडेंट संत हरचरण सिंह लोंगेवाला ने इस रेजोल्यूशन की एक एक कॉपी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में भेजी और कहा कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में अलग देश की मांग नहीं की गई है और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत कह रहा है। तो अकाली दल ने कभी भी अलग देश की मांग नहीं की थी। अब इसके बाद अकाली दल और पावरफुल होता चला जाता है। अब पंजाब के अंदर आज के समय पर भी कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि धर्म और शिक्षा के लिए काम करती हैं। अब ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था दमदमी तस्काल। अब क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के भिंडर गांव में थी इसलिए यहाँ के लोगों को भिंडर वाले कहा जाता था। और जब दमदमी तस्काल के लीडर करतार सिंह की डेथ हुई तो उसके बाद संत जरनैल सिंह भिंडर वाले को दमदमी तस्काल का लीडर बनाया गया। भिंडर वाले ने लीडर बनते ही लोगों को सिख धर्म को फॉलो करने के लिए कहा और इसके अलावा उसने कहा कि नशे से दूर रहें। भिंडर वाले बहुत तेजी से फेमस हो रहा था। अब भिंडर वाले को कांग्रेस का सपोर्ट भी मिलने लगा और भिंडर वाले को अकाली दल के खिलाफ SGPC के इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया। अब भिंडर वाले कांग्रेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया था कि भिंडर वाले को किसी भी इंसिडेंट पर अरेस्ट नहीं किया जाता था। अब 1981 में सेंसस स्टार्ट होते हैं। अब सेंसस में मातृभाषा पूछी जाती है। अब जिस भाषा के लोग ज्यादा होते हैं उस भाषा को इम्पोर्टेंस मिलती है। भिंडर वाले ने कहा था कि सब लोग पंजाबी को अपनी मातृभाषा बताएंगे। तब पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण ने कई बार रिपोर्ट छापी कि हिंदू लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो अपनी भाषा हिंदी ही बताएं। अब इसकी वजह से उनको गोली मार दी जाती है। अब गवर्नमेंट के ऊपर भिंडर वाले को अरेस्ट करने के लिए प्रेशर बनता है और गवर्नमेंट को भिंडर वाले को अरेस्ट करना पड़ता है। और अरेस्ट के बाद पूरे पंजाब में वायलेंस शुरू हो जाता है जिसकी वजह से 17 लोगों की जान भी चली जाती है, जिसकी वजह से शांति बनाने के लिए भिंडर वाले को छोड़ना पड़ा। अब इस अरेस्ट की वजह से भिंडर वाले और कांग्रेस के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। भिंडर वाले और अकाली दल हाथ मिला लेते हैं। अब यहाँ से कांग्रेस अकेली पड़ जाती है। अब 1982 में भिंडर वाले और अकाली दल ने मिलकर एक धर्मयुद्ध मोर्चा शुरू किया। इसका पर्पस था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करवाना। इसके लिए कई रैलियां भी निकाली गईं और कई रैलियां आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गईं, जिसकी वजह से पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। अब 1982 में दिल्ली में होने थे एशियन गेम्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने चेकिंग शुरू करवा दी। खासकर ये चेकिंग सिख लोगों की होती थी। अब इसका बदला लेने के लिए भिंडर वाले ने अपनी एक्टिविटी को और बढ़ा दिया। इस समय तक भिंडर वाले बहुत पावरफुल हो गया था। अब 22 जुलाई 1982 को पंजाब के CM दरबारा सिंह पर जानलेवा हमला हुआ और फिर अगस्त 1982 को एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। इसके बाद 20 अगस्त को फिर से एक प्लेन को हाईजैक किया गया और फिर अक्टूबर 1983 को अमृतसर से दिल्ली जा रही एक बस को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें से हिंदू पैसेंजर्स को उतारकर उन्हें गोली मार दी जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। 15 दिसंबर 1983 को भिंडर वाले ने अपनी सेफ्टी के लिए अपनी लोकेशन को गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त पे शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी नेता गोल्डन टेम्पल में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। ये फोटो में आप देख सकते हैं, अकाल तख्त की लोकेशन है। इस समय भिंडर वाला पावरफुल इसलिए भी था क्योंकि उसके साथ थे रिटायर्ड मेजर जनरल शाबेक सिंह और रिटायर्ड मेजर जनरल जसवंत सिंह बुल्लर। देखिए, अब लड़ाई तो तय थी गवर्नमेंट और भिंडर वाले के बीच में, लेकिन इंदिरा गांधी ने लड़ाई को रोकने के लिए कहा कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की कुछ मांगे मान ली जाएंगी लेकिन कुछ मांगे पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। लेकिन इंदिरा गांधी के इस प्रपोजल को भिंडर वाला रिजेक्ट कर देता है। अब गवर्नमेंट लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब ये ऑपरेशन संभालने की जिम्मेदारी दी गई कुलदीप सिंह ब्रार को, जो कि एक सिख ऑफिसर थे। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। देश के अलग अलग जगह से हथियार और पुलिस स्टॉक पंजाब में आने लगे। 1 जून 1984 को पंजाब को आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और फोन लाइन्स कट कर दी और पंजाब में कर्फ्यू भी लगा दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 8 जून तक चला था। अब ऑपरेशन के बीच 3 जून को गुरु अर्जुन देव का शहीद दिवस था, जिसकी वजह से उस दिन ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। भिंडर वाले ने लोगों को अंदर आने के बाद बाहर ही नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से आर्मी अटैक ना कर पाए। भिंडर वाले पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक बंदूकें, स्नाइपर्स, पूरी आर्मी की तरह ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। आर्मी को लगा कि अगर लाइट कनेक्शन कट कर दी जाए और पानी की सप्लाई रोक दी जाए तो ये लोग अपने आप सरेंडर कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
अब इसी बीच खबर आने लगी कि अमृतसर के आसपास के गांव के हजारों सिख हथियारों के साथ गोल्डन टेंपल की तरफ आ रहे हैं। अब इसी वजह से आर्मी को ऑपरेशन जल्दी खत्म करना पड़ा और इसी जल्दबाजी में गोल्डन टेंपल को भारी नुकसान हुआ। अब एंटी टैंक से गोल्डन टेंपल पर अटैक किया गया। इसके बाद कुछ समय तक आर्मी और भिंडर वाले के लोगों के बीच फायरिंग भी हुई, लेकिन सुबह 4:30 बजे तक आर्मी ने अकाल तख्त पर कंट्रोल कर लिया था। ये ओरिजिनल प्लान की कॉपी है जो आर्मी ने अपने प्लान के लिए बनाई थी। इस फाइट में भिंडर वाले की डेथ हो जाती है, लेकिन गोल्डन टेंपल की हालत देख पूरी दुनिया के सिख भड़क जाते हैं। अब क्योंकि आर्मी ने दूसरा ऑपरेशन चलाया जिसमें अकाली के लीडर को अरेस्ट किया गया और सभी सिख लोगों के हथियार भी जब्त किए गए। अब कोई लीडर ना होने की वजह से अब मिलिटेंट्स की एक्टिविटी बढ़ने लगी। ये वो लोग थे जो गोल्डन टेंपल की सिचुएशन देखकर बहुत गुस्से में थे। अब इसी वजह से मिलिटेंट्स ने कसम खाई कि जिन लोगों की वजह से भी गोल्डन टेंपल की ये हालत हुई है वो उनको मार देंगे या उनको मारने की कोशिश में खुद मर जाएंगे। अब इस हिटलिस्ट में प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह थे, इंदिरा गांधी उनके बेटे और फैमिली के अलावा कई आर्मी ऑफिसर्स भी थे। अब इन सब लोगों को फुल प्रोटेक्शन दी गई। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन में इंदिरा गांधी का घर था। इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी ऑफिसर ने उनकी सिक्योरिटी में से सिख गार्ड्स को हटाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इससे गलत मैसेज जाएगा कि वो सिख कम्युनिटी के खिलाफ हैं। अब 31 अक्टूबर 1984 को उनके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनको 18 गोलियां मारी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की एम्स में डेथ हो जाती है। अब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद हिंदू सिख के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और हजारों सिखों को मारा जाता है। दिल्ली में 100 से भी ज्यादा गुरुद्वारे जला दिए जाते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। देखिए, भिंडर वाले की डेथ के बाद भी उसकी सोच जिंदा थी। अब राजीव गांधी ने अकाली के लीडर्स को जेल से निकालकर राजीव लोंगेवाला अकॉर्ड साइन किया। इस अकॉर्ड में था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब भिंडर वाले के साथियों को ये अकॉर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने संत लोंगेवाला की हत्या कर दी। अब हरियाणा के सीएम भजन लाल ने कहा कि अगर चंडीगढ़ पंजाब में चला गया तो हरियाणा के हिंदू उनको वोट नहीं देंगे और आपके हाथ से हरियाणा भी चला जाएगा। और फिर राजीव गांधी इस अकॉर्ड से पीछे हट जाते हैं। और फिर बाद में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो कि पुलिस ने ऑपरेट किया था। उससे भिंडर वाले के सपोर्टर्स को खत्म किया गया और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगी। अब बीच बीच में खालिस्तान के लिए आवाजें उठती थी, लेकिन ये आवाज उठाने वाले लोग ज्यादा पावरफुल नहीं थे। अब ये आवाजें फिर से तेज होने लगती हैं जब 1 जून 2015 को फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के बुर्ज जवाहर सिंह वाले गांव से गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हो जाती है और इसी गांव में गुरु ग्रंथ साहिब के पेजेस के साथ भी बेअदबी होती है। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब के पेजेस के साथ बेअदबी का मतलब है उनकी डिसरेस्पेक्ट करना। अब इन सब के बीच दीप सिद्धू, जो एक एक्टर रहे हैं जिन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका मोटिव था कि ये पंजाब के कल्चर को सेव करेगी। लेकिन 15 फरवरी 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। अब दीप सिद्धू के बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जिसको सितंबर 2022 में वारिस पंजाब दे का हेड बनाया जाता है। अब 29 सितंबर 2022 में अमृतपाल इंडिया में आता है। भिंडर वाले की पुस्तैनी गांव रोडे, जो कि मोंगा जिले में है, वहां पर दस्तरबंद सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है। अब हर कोई हैरान था कि अमृतपाल को इतना सपोर्ट कैसे मिल रहा है। अमृतपाल ने कहा कि भिंडर वाले उसके आदर्श हैं और उन्हीं की तरह अमृतपाल ने भी ड्रग्स से दूर रहने की बात की और अपने धर्म को बढ़ाने की बात की। अब सोशल मीडिया पे अमृतपाल सिंह बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लोगों को अमृतपाल में भिंडर वाले भी नजर आ रहा है। अब खालिस्तान और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन धीरे धीरे चिंगारी पकड़ रहा है। अब आगे ये सारी चीजें कितनी दूर जाएंगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज जो कन्फर्म है वो है नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन।